जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, श्वास श्वास शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, हर पल का शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का सत्संग मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं जितना जितना शुक्राना करूँ अपने गुरु जी महाराज का, मेरे लिए उतना ही कम है, मेरे हिसाब से कम हो जाएंगी, पर मेरा शुक्राना कभी खत्म नहीं होगा। और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने फिर से मुझे मौका दिया शुक्राना सत्संग करने का। और वो मुझे रोज ही बोलते हैं कि तूने रोज ही सत्संग करना है। तो मैं कहती गुरुजी रोज, तो गुरुजी कहते हाँ। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। अब जब जब वो मुझे बोलेंगे, मैं वैसे वैसे सत्संग रिकॉर्ड करूंगी और भेज दूंगी नंदी बाबा के पास। बाकी गुरुजी की मर्जी कि वो कब अपलोड होता है कब नहीं, वो गुरुजी की इच्छा। शुक्राना सत्संग है ये, और बहुत शुक्राना करती हूँ मैं। और ये सत्संग मेरा अभी का है, कोई 3-4 दिन पहले, हफ्ते का ही समझ लो ये सत्संग है। मैं एक संगत का सत्संग सुन रही थी, ओल्ड संगत का सत्संग सुन रही थी, और बार बार ना मेरे सामने आ भी रहा था कि संगत जैसे बता रहे थे कि जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो गुरुजी संगत को कहते, चल आंटी इन्नू टॉप्स दे दे, चल आंटी इन्नू ऐसे गले का हार दे दे। तो मैं सुन रही थी वो सत्संग, और वो मेरे को बार बार रिपीट हो रहा था। मुझे उस दिन वो सत्संग 2-3 बार सुना मैंने, वही मेरे पास बार बार खुल रहा था। तो मैं गुरुजी को कहती थी, गुरुजी ये सत्संग आप मुझे बार बार सुना रहे हो तो कुछ ना कुछ तो ब्लेसिंग होगी जरूर। और उसके बाद मैं जब वो सत्संग सुनने के बाद मैं जैसे गुरुजी से बात करती हूँ, तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी जब आप फिजिकल फॉर्म में थे तब आप संगत को कहते थे कि इसको दे दे, तो आप वो संगत उनको दे देती थी। तो आप फिर आप कहते थे आंटी इसको दे दे ये चीज, तो वो संगत उन संगत को दे देती थी। तो सॉरी संगत जी, तो क्या मेरे साथ भी आप ऐसी कोई करोगे, मतलब कि ऐसा कुछ मुझे भी दोगे ऐसी कोई कुछ चीज? ऐसे मैंने गुरुजी को बोला। और फिर मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, बट मैं चाहती हूँ गुरुजी जो मेरे अंकल है ना, उनके हाथ में ना एक चांदी का कड़ा मुझे ना, मतलब अगर आपकी इच्छा हो तो आप मुझे दिलाओगे? ऐसे मैंने गुरुजी को बोला। लेकिन आप दोगे, डायरेक्ट दोगे मेरे को? तो मैं किसी संगत को नहीं बोलूंगी, बट आप डायरेक्ट बोलोगे, क्योंकि मैं तो बोलती नहीं किसी को। तो मैंने ऐसे गुरुजी को बोला, और मैंने कहा चाहे चांदी का कड़ा हो, लाइक जैसे ब्रेसलेट होता ना वो हो, लेकिन उस पर एक ना छोटा सा ओम होना चाहिए गुरुजी, मेरे को बहुत पसंद है ऐसे। तो बट अभी मैं उन हालात में नहीं हूँ, तो आप देख लो। मैंने ऐसे गुरुजी को बोला, और फिर मैं हंस पड़ी। और मैंने सामने देखा तो गुरुजी भी हंस रहे थे बड़ी जोर जोर से, और मुस्कुराते हुए दिख रहे थे। और मुझे मुझे जो है उनकी वॉइस भी सुनाई दी, जैसे हंसते हुए, जैसे हा हा करके हंस रहे हैं, और वो वॉइस भी सुनाई दे रही है। फिर मैं थोड़ी देर बाद गुरुजी को बोला, सॉरी गुरुजी, कहते हैं मनना है मंगना नहीं है, तो मैंने आपसे ऐसे बोल दिया, तो बस आप ध्यान मत देना, मैं तो झल्ली हूँ, ऐसे ऐसे ध्यान मत देना आप गुरुजी। और मैं भूल गई। कल मैं अपनी एक फ्रेंड के घर गई, और बेसिकली जब मैं उसके घर जाती हूँ तो बेसिकली ब्रेसलेट लेके जाती हूँ, उसको ब्रेसलेट बहुत पसंद है, वो भी गुरुजी की संगत है। और वो फ्रेंड मेरी 2016-17 से है, तो वो तब से गुरुजी को मानती है, बट उस टाइम पे मैं नहीं मानती थी महाराज को, सॉरी गुरुजी, भूल चुक की माफी। तो मैं उसके घर गई, तो उसने बैठी ना मैं जैसी, तो मैं तो मेरे लिए ब्लेसिंग लाई है ब्रेसलेट, तो मैंने कहा अरे नहीं यार मैं तो नहीं लेके आई, तो मैं भूल गई। उसने कहा चल कोई नहीं, उसने मुझे पानी फिर चाय वगैरह के टाइम पे भी उसने बोला कि तू मेरे लिए ब्लेसिंग भूल गई। मैंने कहा हाँ इस बार मैं भूल गई, मैं कल आऊंगी, नहीं तो कल मैं तेरे को पकड़ा जाऊंगी, क्योंकि वो मेरे घर के थोड़ा सा दूर में रहती है, मैं सेक्टर 18 रहती हूँ, वो सेक्टर 15 रहती है मेरी फ्रेंड है, वो भी गुरुजी की संगत और बहुत मानती है गुरुजी को। तो उसने बताया कि जो लास्ट टाइम तू ब्रेसलेट देके गई थी वो ऐसे ऐसे टूट गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मोस्टली उसका मतलब ब्रेसलेट या तो खो जाता है या टूट जाता है, तो और उसे पसंद भी बहुत है ब्रेसलेट्स। तो मेरे हाथ में कल एक ही ब्रेसलेट था, और उस ब्रेसलेट का भी मैं अगर आपको बोलूं तो 2 दिन पहले विजन में मैंने देखा कि ब्लैक और गोल्डन मोतियों वाला जो क्रिस्टल का ब्रेसलेट है, गुरुजी ने मुझे ब्रेसलेट दिखाया, वो बहुत शाइन कर रहा है,
और मैंने देखा कि गुरुजी कह रहे हैं कि इसको उठा ले और इसको इसको उठा के इधर कर दे, मतलब स्वरूप से हटा ले। तो मैंने स्वरूप से उठा के वो अपने हाथ में पहना और फिर मैंने देखा कि मैंने अपने ही हाथ से उतार के किसी को दे रही हूँ, पर वो मुझे दिखाई नहीं दिया कि मैंने किसको दिया है। विजन में मुझे परसों विजन आया था, फिर मुझे कल विजन आया सुबह सुबह कि गुरुजी दिखे और मैं गुरुजी कह रही हूँ जय गुरुजी, और मेरे को गुरुजी दिखा रहे हैं कि एक रिंग है बहुत शाइन कर रही है, गोल्ड की रिंग है वी शेप की, जैसे लाइक पुराने जमाने टाइप की, और बड़ी शाइन कर रही है, उससे चमक निकल रही है, और वो मेरे सामने फर्श पे आके गिरी और मुझे क्लियर आवाज आई उसकी। तो मैं गुरुजी को कह रही हूँ गुरुजी मुझे ना समझ नहीं आ रहा आप मुझे क्या दिखाना चाह रहे हो। और थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि बॉक्सेस हैं, उसके अंदर काफी सारा गोल्ड 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 है, मैं मुझे वो भी नहीं समझ आ रहा था। तो मैं ड्रीम में गुरुजी को कह रही हूँ गुरुजी तुसी की दिखा रहे हो मैनू नहीं समझ, मैं ड्रीम में ही बोल रही हूँ गुरुजी को और मेरा ड्रीम टूट गया। तो ये चीज मैं अपने अंकल जी को बता रही थी। तो उसी कल ही मैं अपनी फ्रेंड के घर गई शाम को 6 बजे, और जब मैं बैठी चाय वगैरह पी तो चाय प्रसाद दिया उसने मेरे को, तो उसने फिर मुझे बोला तुम मेरी ब्लेसिंग नहीं लेके आई ब्रेसलेट। मैं गुरुजी को बोला गुरुजी इसने 2-3 बार पूछ लिया मैं क्या करूं, गुरुजी कहते जेड़ा तू पाया हुआ ना ब्रेसलेट वो दे दे उतार के। मैं कहा ठीक है गुरुजी, अब मेरे गुरुजी ने बोला था कि इसको उतार के दे दे, मैंने वो ब्रेसलेट उतारा, उसको बुलाया और मैंने कहा इधर आ, मैं और मैंने उसके हाथ में पहना दिया। अब जब मैं उसको ब्रेसलेट पहना रही थी तो उसके हाथ में एक चांदी का ब्रेसलेट था जिसपे ओम बना हुआ था। वो ब्रेसलेट पहन के इतनी खुश कहती तूने अपना दे दिया और तेरे दूसरे हाथ में तो है। और कल बाय डिफॉल्ट ऐसा हुआ कि मेरे दोनों हाथों में हमेशा ब्रेसलेट रहते हैं, लेकिन मेरे पास राइट हैंड में कोई ब्रेसलेट नहीं था और मेरा जो लेफ्ट हैंड से मैंने उतार के उसको दे दिया। वो महाराज ने बोला इसको दे दे, तो मैंने उसको उनको दे दिया। और वो मुझे ब्रेसलेट भी बड़े मंदिर से मिला हुआ था, मतलब कि वहीं से बड़े मंदिर से ब्लेस करा के लाए हुए थे हम, तो कुछ ऐसा था सत्संग में मिला था ये बड़े मंदिर में, मुझे याद नहीं है लेकिन वो मुझे मिला था ऐसे। और जैसे ही मैंने उसको ब्रेसलेट पहनाया वो तो इतनी खुश उसने जो उसने ब्रेसलेट पहना हुआ था चांदी का ओम वाला, उसने कहा अच्छा इसको उतार। तो मैंने बोला कि क्यों उतारना, कहती नहीं तू इसको उतार। और वो इतनी खुश थी जय गुरुजी बोल रही थी और इसको इतना अंदर से मन खुशी, मतलब उसके चेहरे से इतना गुरुजी वाला ग्लो दिख रहा था मुझे कि वो इतनी खुश है अंदर से कि उसको गुरुजी का ब्रेसलेट मिला है। और कहती नहीं तू उतार। मैंने उसका ब्रेसलेट उतारा, उसको ब्रेसलेट उतार के उसने मेरे राइट हैंड में वो ब्रेसलेट मुझे पहना दिया। तो मैंने उसको बोला तू पागल है, मतलब जैसे मैं फ्रेंड्स है तो हम आपस में ऐसी बात करते हैं। तो मैंने कहा नहीं मैं ये ब्रेसलेट नहीं ले सकती, ये तो तेरा चांदी का ब्रेसलेट है मैं कैसे ले सकती हूँ। तो उसने मुझे बोला कि ये मैं नहीं दे रही, मैं मेरे अंदर से जो भाव आ रहे हैं ना वो ये आ रहे हैं, मुझे गुरुजी ये बोल रहे हैं कि इन्नो ए ब्रेसलेट दे दे चांदी का। और मैं हक्की बक्की, मेरे पास नो वर्ड्स, मुझे नहीं समझ आ रहा था क्योंकि हफ्ते पहले ही मैं वो सत्संग सुना और मैं गुरुजी को ये कह रही थी गुरुजी तुसी जिन्नू भी कहते हो ए दे दे उसनू ओ दे दे, तो क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा, क्या आप मेरे को भी कुछ ऐसा ब्लेसिंग में ब्लेस करोगे आप मुझे। और मैंने अपनी एक ख्वाहिश बताई थी और फिर उसके बाद मैंने गुरुजी से सॉरी भी बोला कि नहीं गुरुजी ऐसे मंगना नहीं चाहिए ना, तो सॉरी गुरुजी। और उसने ओम का ब्रेसलेट चांदी का और वो ब्रेसलेट जो है उसकी उसको उसके बेटे को मिला था और राखी वाले दिन, और उसने पहना नहीं तो उसने खुद पहन लिया और वही ब्रेसलेट उसने मुझे उतार के दिया, मेरे हाथ पे बांधा। मैं मना करती रही पर वो नहीं मानी, कहती ये मैं नहीं दे रही ये तो गुरुजी दे रहे हैं। और साथ में बोला भी तूने वो सत्संग सुना है ना कि गुरुजी दे देते हैं किसी भी संगत को कहते हैं, तो समझ कि मैं तुझे नहीं दे रही ये गुरुजी दे रहे हैं तेरे को। मैं इतने शुक्राने करती हूँ ना गुरुजी महाराज के, मेरे तो पैर जमीन पे नहीं, मैं हवा में उड़ रही कि गुरुजी महाराज ने खुद मुझे ये ब्रेसलेट बख्शा ब्लेसिंग में, और जिसपे ओम है और ओम भी इतना सुंदर कि वो नॉर्मली ओम नहीं कुछ अलग सा ओम था, जैसे गुरुजी के हाथ पे ओम दिखता है ना वैसा। उसके बाद मैं घर आई, घर आके मैंने जैसे रात को हम जैसे डिनर वगैरह करने बैठे तो मैंने अपने बेटे को दिखाया, मेरे अंकल सामने ही बैठे थे, तो मैंने कहा कि ये देख मुझे ना मेरी फ्रेंड ने ब्लेसिंग में ना ये ब्रेसलेट दिया है, तो चांदी का ब्रेसलेट। तो कहता है ये ना मेरा बेटा बोलता है कि नहीं मम्मा उसने नहीं दिया आपको,
ये गुरुजी ने आपको दिया है, उसने अपने आप बोला मेरे बेटे ने, परमार्थ ने, गुरुजी का बेटे, गुरुजी के बेटे ने। और मैंने अपने अंकल को दिखाया तो मेरे को गुरुजी कहते हैं कि इन्नू पूछ पाएगा, क्योंकि मैंने अपने अंकल के लिए बोला था गुरुजी महाराज को। तो मैंने कहा अब मैं पूछती हूँ, तो मैंने अपने अंकल को बोला गुरुजी पूछ रहे ने तुसी पाना है ब्रेसलेट, ते क्योंकि मेरे अंकल को पता है कि मेरे मैंने बहुत दिनों से मेरी एक इच्छा थी कि मैं अपने मतलब चांदी का जैसे ब्रेसलेट या कड़ा मैं अपने अंकल को गुरुजी पहनाए, और ये मेरे अंकल को पता था। तो मेरे अंकल चुप, तो कहते हैं तो तेरी ब्लेसिंग है। मैं कह नहीं, गुरुजी कह रहे हैं तुम्हारी ब्लेसिंग है, जो क्योंकि जो 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 मुझे गुरुजी कह रहे थे मैं वही अपने अंकल को बोल रही थी, और मैं इतनी खुश। तो मेरे अंकल, मेरे गुरुजी ने मुझे कहा कि दे देंगी। मैं कहा क्यों नहीं दे दूंगी, मेरे अंकल वास्ते देते है तुसी, ते मैनू तो सिर्फ तुसी चाहिए हो, ए चीजा नहीं चाहिए। लेकिन मैं बड़ा शुक्राना करनी है गुरुजी कि मैं क्या तुहानू ते तुसी पूरी कर दिती मेरी गल, लख लख शुकराने, अनंतम अनंतम शुकराने गुरुजी तुहाडे। मतलब जिन्ना शुकराना करा ना मैं गुरुजी, जिन्ना शुकराना करा ना कम है गुरुजी। ते गुरुजी कहंदे चल फिर इन्नू पूछ पाएगा। मैंने कहा गुरुजी पूछ रहे ने तुसी पाओगे ब्रेसलेट, तो इन्होंने हाँ कर दी मेरे अंकल ने, और मैंने ब्रेसलेट उतारा और अपने अंकल को पहना दिया। और हैरानी की बात, बिल्कुल फिट आया मेरे अंकल को, जैसे मेरे अंकल के लिए ही बना के मेरे गुरुजी ने भेजा। जितना जितना शुक्राना करा मैं अपने गुरुओं का, वो कम हैगा। मतलब कि मैं कह के, और मैं सॉरी भी बोलिया गुरुजी नू कि गुरुजी सॉरी तुसी कहंदे हो मनो मंगो नहीं, और मैं मंग लिता, लेकिन तुसी जेड़ा दे दिता। ते मेरे अंकल इतने बीमार चल रहे थे, और इतने बीमार चल रहे थे, कल उनको वो ब्रेसलेट पहनाया गुरुजी महाराज ने रात को। और मैंने सुबह पूछा, मैं सुबह उठी ना तो मैंने पूछा, मैं कहा मैंने आपको ब्रेसलेट, मतलब गुरुजी ने आपको ब्रेसलेट पहनाया है तो वापस करोगे मेरे को? तो मेरे अंकल मुझे कहते हैं नहीं, ये तो अब मेरी ब्लेसिंग होगी और गुरुजी ने मुझे भेजी है डायरेक्ट, तो ये तो मैं नहीं उतारूंगा। और पहना हुआ है बिल्कुल मेरे अंकल ने ब्रेसलेट वो, और बहुत शुक्राने में मेरे पास वर्ड्स नहीं है कुछ, मैं क्या बोलूं, गुरुजी महाराज हैं और पल पल की खबर रखते हैं, हर पल की खबर रखते हैं मेरे गुरुजी महाराज। हर पल हर पल हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जितना शुक्राना करूं मैं कम है गुरुजी। बहुत शुक्राने, अनंतम अनंतम शुक्राने मेरे गुरुजी महाराज के, और मैं इतनी खुश हूं, मैं मतलब कि नो वर्ड्स, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और मैं गुरुजी को देखी जा रही हूं, बस महाराज को देखी जा रही हूं कि महाराज ने क्या चमत्कार कर दिया। मतलब कि सच बोलूं तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ गुरुजी चाहिए, मेरे को और कोई नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे को गुरुजी चाहिए। और मैंने सच में गुरुजी से गुरुजी को मांगा हुआ है। बहुत शुक्राने करती हूँ कि वो पूरी प्रेजेंस दिखाते हैं मेरे को, हर पल पल मुझे महसूस कराते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। एक छोटा सा सत्संग और है मेरा, कल गुरुजी मुझे बोल रहे थे कि मैं ना तेरे घर आऊंगा, चाय पीऊंगा। मैं कहा गुरुजी वो तो वीरवार को आपने भी बोला था, आज फ्राइडे हो गया तो मुझे कैसे आओगे? चलो, तो गुरुजी ने कहा कि तू चल उठ चाय तो बना। मैंने चाय रखी, जैसे ही मैंने चाय रखी, चाय पत्ती डाली होगी तो एकदम मेरे अंकल कहते हैं ये देख बटरफ्लाई। हमारे घर के अंदर से दरवाजे सारे बंद, खिड़कियां सारी बंद, और अंदर से एक छोटी सी बटरफ्लाई उड़ती हुई मेरे अंकल के सर से होते हुए घूमती रही। वो जब तक चाय बनी, जब तक जब भोग लगाया ना चाय का गुरुजी के आगे, तो बटरफ्लाई गायब हो गई। तो महाराज ऐसे प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, और बस ये है कि उनकी रजा में रहना है, उनके हुक्म को मानना है, और बस शुक्राना शुक्राना करना है, दुख में अरदास, सुख में शुक्राना, बस शुक्राना करते रहना है, शुक्राना शुक्राना सारा दिन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरुजी, वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। संगत जी, अगर कोई गलती हो गई हो और सत्संग सुनाने में, तो मुझे प्लीज माफ करना।
अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।